कानपुर देहात में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उपचुनाव की मतगणना हुई शुरू। विकासखंड में मतगणना के दौरान पुलिस प्रशासन रहा मुस्तैद। इटैली ग्राम पंचायत के उपचुनाव में मृतक पूर्व प्रधान कर्पूरी देवी की पुत्र वधु ने जीत हासिल की। बीते समय पहले पूर्व प्रधान कर्पूरी देवी का हुआ था आकस्मिक निधन। 6 अगस्त को हुआ था ग्राम प्रधान पद को लेकर उपचुनाव। 289 मतों से विनीता देवी ने अपने प्रतिद्वंदी रामश्री को दी शिकस्त। चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान विनीता देवी अपने पति जैल सिंह के साथ भाजपा विधायक पूनम संखवार का आशीर्वाद लिया। भाजपा विधायक पूनम संखवार ने भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर मिठाई खिलाकर फूलमाला से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान का स्वागत किया। मैं सर्वप्रथम तो बहू को डेली ग्राम सभा के प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये ऐतिहासिक इनकी जीत है और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है। जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा नंबर एक पे रहती है। मैं 2022 में भी रसूला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का ही परचम फहराया और आज फिर से इनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। कहीं ना कहीं इनके जो पिछला कार्यकाल था वो बहुत अच्छा कार्यकाल में इनका बहुत अच्छा व्यवहार था। इससे आप लोग जान सकते हैं कि सारी जनता जितनी भी ग्राम सभा की है सबने समाजवादी को जवाब दिया है तगड़ा कि कभी भी उनका यहाँ खाता न खुला न खुलेगा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही रसूलाबाद में जीतती रही और जीतेगी। चुनाव में जो पहले जगह जिले फाइट होती थी बीजेपी की, अब ग्रामीण आंचलों में भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो सहायक कार्यकर्ता वो भी फाइट करके एक प्रत्याशी को बड़ी सीख दे रहे हैं, इसको क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरा देश उनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है और पूरी तरीके से मेरा संगठन भी भारतीय जनता पार्टी का एकजुट होकर के कोई भी चुनाव एक दिन में नहीं लड़ते। हम लोग ये समझिए कि पूरे 24 घंटे 30 में 300 दिन 12 महीने पूरी तरीके से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और कमल का फूल खिलाने के लिए काम करते हैं, लोगों के सुख में लोगों के दुख में। आज जो मदद भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसके पहले कभी किसी भी पार्टी ने किसी योगदान नहीं दिया। प्रत्याशी की जीत हासिल की ने क्या मूल मंत्र देंगे विकासकारों के लिए जिससे आगे आने वाले चुनाव में और सक्षमता के साथ यानी किसी काम को तेजी से दिखा सके और लोगों के बीच में दिल में चुनाव जो था तभी ये जीते थे और आज जब खुद चुनाव हुआ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।